सक्षम योजना हरियाणा। ये स्कीम सिर्फ हरियाणा के लिए है। जो हरियाणा के निवासी हैं वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। 12वीं पास 900 रुपये, BA, BCom, BSc पास है 1500 रुपये, MA, MCom, MSc जो है इन्होंने कर रखी है वो 3000 रुपये महीना घर बैठे बिना कुछ काम किए पा सकते हैं। बस उसके लिए जो है ये आपको सक्षम योजना का जो फार्म है कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपना फॉर्म भरना है, सही तरीके से अपना फार्म भरवाना है ताकि आपका जो फार्म है जल्दी से जल्दी अप्रूव। उसके मेरा ब्लॉग है, मैंने इस पर डिटेल डाल रखी है कि सक्षम योजना के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये मैंने डिटेल डाल सकती है आप यहाँ पे, है ना। इसको यदि नेट पे आप सर्च करना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं manojcybercafepanipat.blogspot.com। इस पर आने के बाद जो है सभी डॉक्यूमेंट हैं जो आपके, उसकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। और हरियाणा के सभी बेरोजगार युवा युवक युवतियों को सूचित किया जाता है कि प्रति वर्ष की भांति सक्षम योजना के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आरंभ है, इसलिए जो भी साथी अपना पंजीकरण करवाना चाहता है वो उपरोक्त सभी दस्तावेज नीचे दिए गए हैं, सॉरी यहाँ पे लिखने में गलती है, और मेरे पास आगे जो अपना फार्म अपना भरवा सकता है। जो 12वीं पास है उसको 900 रुपये महीना मिलते हैं, ग्रेजुएशन पास वाले को 1500 रुपये महीना मिलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को 3000 रुपये महीना मिलते हैं। इसके अलावा ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कंफर्म है। इसके अलावा यदि आपको 100 घंटे का रोज़गार मिलता है और उसके आपको जो है 6000 रुपये पर महीना 12वीं वाले को भी, ग्रेजुएशन वाले को भी, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को भी, सभी को 6000 रुपये महीना अलग से मिलेंगे। अब इसमें आपके डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, आपकी जो है मार्कशीट आपकी सभी लगेंगी। मार्कशीट के साथ जो आपने यूजी पीजी कर रखी है या 12th के बेस पे आप भरना चाहते हैं तो क्या है, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट या आपकी जो है स्कूल इसकी पीजी की और यूजी की कोई आपकी डिग्री है, फाइनल वाली डिग्री है तो आपको वो देनी है। या तो आपके पास डिग्री हो कॉलेज में जो मिलती है, या उससे पहले आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो तो उसके बेस पे आप जो है फार्म भरवा सकते हैं। इसकी मार्कशीट आपकी साथ में लगेंगी, आपका आधार कार्ड, आपका डोमिसाइल, आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट है जो आपका 3 लाख से कम का होना चाहिए, अदर देन एजुकेशन का इनकम सर्टिफिकेट बनेगा इसका। और आपका राशन कार्ड, बैंक की कॉपी, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन भी इसमें जो पहले आपका हो चुका है वो लगेगा, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, सभी डॉक्यूमेंट का जो आपको एक सेट भी बनवाना है फार्म भरने के बाद जब आप जमा कराएंगे तो एक फोटोकॉपी का सेट आपको वहाँ पे जमा करवाना है। आपकी फैमिली आईडी भी लगेगी जिसमें आपकी जो है क्वालिफिकेशन कंप्लीट भरी हुई होनी चाहिए। जैसे आपकी ग्रेजुएशन है तो उसमें ग्रेजुएशन मेंशन होनी ज़रूरी है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, वो भी आपके मैच होने चाहिए। आपका वोटर कार्ड मैं आपको बता दूँ, पानीपत ज़िले में यदि आप फार्म भरते हैं, पानीपत में यदि आप फार्म भरते हैं सक्षम योजना का, तो उसमें आपको जो है वोटर कार्ड देना कंपलसरी है। बाहर का मैं बता दूं, बाहर का कंपल नहीं है। वहाँ पे कई जगह मैंने कई बच्चों से बात हुई है, वो कहते हैं कि वहाँ पे वोटर कार्ड कंपलसरी नहीं है। तो हर जगह का अलग अलग थोड़ा हिसाब हो सकता है, तो वहाँ पे आप जो है अगर बाहर से हैं तो एक बार कंफर्म कर सकते हैं वहाँ पे वोटर कार्ड कंपलसरी है या नहीं। बिजली का बिल, और यदि आप शहर में रहते हैं तो आपको जो है आपका हाउस टैक्स पेड की स्लिप आपको दिखानी है। और यदि आपका जो जहाँ पे आपका घर है वो एरिया यदि टैक्स फ्री एरिया में आता है, हाउस टैक्स वहाँ पे नहीं भरा जाता है, तो आपके जो एमसी है उनसे एक लेटर एड पे लिखवा के आपको जो है फाइल में लगाना है, वो आपको साथ में जमा करवाना है। और दोस्तों ये फार्म यदि आप पानीपत से बिलोंग करते हैं तो मेरे पास आके जो है अपना फार्म भरवा सकते हैं, ये मेरी एड्रेस है। और इसके अलावा आप गूगल पे मनोज साइबर कैफे पानीपत लिख के सर्च कर सकते हैं, मेरी डायरेक्शन आप गूगल से भी ले सकते हैं, डायरेक्ट आपको डिटेल मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों कोई भी सक्षम योजना से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी है तो मेरे पास जो है आप कमेंट कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इसमें बताई जाएगी। ये मेरा ब्लॉग है, आप इस पे रेगुलर विजिट कर सकते हैं। कोई भी लेटेस्ट योजना होती है तो उसके बारे में, क्या उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी है, पूरी जानकारी मैं यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।